ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान आश्रम। इससे पहले की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के सारे टाइप्स के बारे में अच्छे से जान चुके हैं और आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस के भी हमारे चार टाइप्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्लियर समझाते हैं, जिसको हम पहचान के लिए कह सकते हैं कि रेगुलर एक्शन इन पास्ट टाइम, यानी कोई भी ऐसा एक्शन जिसको हम पास्ट टाइम में रोज करते थे, रेगुलर करते थे, या अलग नॉर्मल कोई बात पास्ट में बीत चुकी है, कोई घटना बीत चुकी है, तो वहाँ भी वो पास्ट ही हमारा होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही हमारा होता है। हिंदी में हम इसके पहचान के लिए समझ सकते हैं कि वाक्य के अंत में था, थे, थी आता है, तो वो नॉर्मली पास्ट टेंस होता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब होगा? जब आया था, आए थे या आई थी, या हो सकता है आता था, आती थी, आते थे, ऐसे करके अगर वाक्य के अंत में होगा तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्लियर? अब इसके बारे हम जो है कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें और कोई नॉर्मल सेंटेंस में, यानी जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, सिंपल कुछ सेंटेंसेस को छोड़ के। और निगेटिव में इसमें जो है कि डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, वो भी सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस के साथ डिड का यूज हम करते हैं। क्लियर? अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा हमेशा की तरह सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात होती है, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और फिर उसके बाद हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, या कह लीजिए सिंपल पास्ट टेंस में। क्लियर? इसे कंफ्यूज नहीं होंगे। और हाँ, सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर का भी यूज होता है। ठीक, इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे अगर हो गया हमारा वह गाना गाता था, ठीक, यानी पास्ट टाइम में वो क्या करता था? गाना गाता था। यानी इससे क्लियर हो रहा है कि कोई भी काम पास्ट टाइम में रेगुलर एक्शन में था लगभग, इसलिए हम इसको समझ सकते हैं कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको बनाएंगे हम कैसे? वह गाना गाता था, वह या हमारा लड़के के लिए यूज हुआ है तो हम अफर्मेटिव में सबसे पहले यूज करेंगे ही। ठीक, उसके बाद हम क्या बोले? सीधा मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। तो मेन वर्ब यहाँ हमारा क्या है? गाता, यानी गाना, सिंग। सिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सैंग। इसलिए यहाँ वर्ब के सेकेंड फॉर्म सैंग का यूज करेंगे हम। क्लियर? ही सैंग ए सॉन्ग। क्लियर? अब देखिए, ए यहाँ लगाने से भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए क्यों लगा, लेकिन एक बार में हम एक ही गाना गा सकते हैं। कोई भी अगर हम मिक्सअप सॉन्ग भी गाते हैं तो भी एक बार में हम एक ही सॉन्ग को गाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ ए लगा देते हैं ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में। तो यहाँ हमारा क्या हो गया? ही सैंग ए सॉन्ग, वह गाना गाता था। क्लियर? उसके बाद इसका निगेटिव समझेंगे। तो निगेटिव में हम आपको क्या बोले? हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है, तो ही हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड। इसके बाद क्या यूज होगा हमारा? नॉट। क्यों निगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज होता है, कहाँ यूज होता है? तो हम आपको पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि नॉर्मल निगेटिव सेंटेंस में हमारा नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद यूज किया जाता है। क्लियर? तो ही डिड नॉट। ठीक, अब जब हम डिड के साथ पास्ट का रूल फॉलो कर दिए, डू के पास्ट फॉर्म का यूज हम कर लिए डिड बना करके, तो अब हम मेन वर्ब के फॉर्म में चेंजेस नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ अब सैंग नहीं बल्कि क्या होगा? नॉर्मल उसका मूल रूप सिंग ही होगा। ठीक, ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्लियर? इस तरह से हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। जब भी हम एग्जाम्पल बताते हैं तो आपको यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू एच टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों बताते हैं, इसलिए हम सबसे पहले इसका यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आपको क्लियर हो चुका होगा क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी हम यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो चूंकि उसका आंसर यस या नो में आता है, इसलिए उसको यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उसको
हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करके, सब्जेक्ट के पहले यूज करके हम यस-नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिड, क्लियर। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, तो डिड ही। उसके बाद क्या, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, और इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क, क्लियर। ध्यान रखिएगा जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो पूरा सेंटेंस सही लिखते हैं और थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं हम कोई पंक्चुएशन मार्क ना लगा के, तो इसका खासकर ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर है हमारा इंट्रोगेटिव, ये यस नो टाइप का हो गया, डिड ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वो एक गाना गाता था। उसके बाद जब हम इसका WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो WH में हम कोई भी WH वर्ड यूज कर सकते हैं, कब गाता था, क्यों गाता था, क्या गाता था, ऐसे करके। तो हम सबसे पहले कब ले लेते हैं, तो कब को इंग्लिश में बोलते हैं when। हम आपको क्लियर किए थे कि जब हम WH टाइप का सेंटेंस बनाएंगे इंट्रोगेटिव, तो जो भी हमने यस नो टाइप का बनाया है उसके जस्ट पहले बस अपने रिक्वायरेबल WH वर्ड को यूज कर देंगे। तो इसलिए यहाँ हमारा हमने when लिखा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड, when डिड, फिर सब्जेक्ट ही, सिंग ए सॉन्ग, ये हमारा WH टाइप का भी जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब उसके बाद हम इंट्रोगेटिव निगेटिव समझते हैं, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी हम दोनों टाइप आपको यहाँ क्लियर कर रहे हैं, यस नो टाइप का भी और WH टाइप का भी। लेकिन नॉर्मली हम आपको हमेशा से क्लियर कर चुके हैं कि नॉर्मल निगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज हमारे इंट्रोगेटिव नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जहाँ भी सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद हम नॉट का यूज करते हैं, तो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इसलिए यहाँ हम यस नो टाइप का बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने लिखा डिड ही, क्लियर। अब इस ही के बाद हम क्या लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, नॉट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, किस टाइप का, यस नो टाइप का। तो डिड ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक, क्या वह गाना नहीं गाता था। उसके बाद फिर जब हम WH का बनाएंगे तो उसमें भी जस्ट यही करेंगे, जो भी हमने WH क्वेश्चन बनाया है उसके ही बेस पे बस सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो व्हेन डिड ही नॉट, व्हेन डिड ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह कब गाना नहीं गाता था, ठीक। ऐसे करके हम जो है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पूरा क्लियरली समझ चुके हैं। एक बार फिर से हम आपको पूरा एग्जांपल क्लियर कर दे रहे हैं एक साथ। हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें क्लियर होता है कि कोई भी एक्शन जो पास्ट टाइम में हो चुका है, रेगुलर एक्शन में जो आता था, वो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसकी पहचान हम आपको बताएं, आया था, आई थी, आए थे, आता था, आती थी, आते थे, या कोई भी ऐसा जिसमें लास्ट में ता और था या ती थी ते थे ऐसे आता है, तो हम उसको नॉर्मली समझ लेते हैं कि वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्लियर। अब उसके बाद हम स्ट्रक्चर फिर से समझा दे रहे हैं आपको कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है और ऑब्जेक्ट होता है हमारा। एग्जांपल में समझ लेते हैं, वह गाना गाता था, तो अफर्मेटिव में हमेशा नॉर्मली मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के हम अफर्मेटिव बना देते हैं, तो हमारा हो गया ही सैंग ए सॉन्ग। निगेटिव बनाए तो यहाँ हम ऊपर क्लियर कर चुके हैं कि डिड का यूज निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए यहाँ हमने डिड का यूज किया। और उसके बाद ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाता था, क्लियर। उसके बाद जब हम इंट्रोगेटिव बनाए तो उसमें भी हमने यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जिसमें डिड को पहले रख के हम सेंटेंस को बनाए, डिड ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गाता था, ये हमारा यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद जब हम WH टाइप का बनाए तो उसमें हमने बस रिक्वायरेबल व्हेन का यूज हम अपनी ओर से कर रहे हैं, आपको सेंटेंस में जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से आप WH वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ व्हेन डिड ही सिंग ए सॉन्ग, वह कब गाना गाता था, क्लियर। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो डिड ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, जिसमें हम क्लियर कर चुके हैं आपको कि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, जो भी इंट्रोगेटिव नॉर्मल हम बनाए हैं उसमें जहां भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद हम नॉट का यूज कर देंगे, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, क्लियर। तो इसलिए यहाँ डिड ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गाता था, और जब हम WH बनाए व्हेन डिड ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, जो भी हमने WH सेंटेंस नॉर्मल इंट्रोगेटिव का बनाया है उसमें ही बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे, तो ये हमारा WH टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जिसका मीनिंग आएगा व्हेन डिड ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह कब गाना नहीं गाता था। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि उसमें कोई भी कार्य चल रहा होता है, ठीक है, यानी उस टाइम कंटिन्यू होता है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन यहाँ क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी काम हमारा पास्ट टाइम में कंटिन्यू होगा, यानी कि पास्ट टाइम में कोई भी काम हमारा चल रहा था। क्लियर? इस तरह से हम इसको समझेंगे। इसके पहचान के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अगर आता है तो हम समझ लेते हैं कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्लियर? अब हम इसके स्ट्रक्चर से पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है वॉज और वर। वॉज का यूज सिंगुलर के साथ होता है, ठीक है, जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वॉज का यूज करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर का यूज करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर सबकी तरह, जैसा कि इसमें भी सबसे पहले रहेगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, ठीक, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसको वर्ब प्लस आईएनजी कहते हैं, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? अब हम यहाँ ये भी देख लेते हैं, वॉज या वर के बारे में तो हम आपको बता ही दिया, अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे है हमारा, ही वॉज ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा था, जिसका हिंदी मीनिंग क्या आएगा हमारा, वह खाना खा रहा था, यानी वाक्य के अंत में था आया। ठीक, इसी तरह से बाकी के सेंटेंस भी हमको मिलेंगे जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, तो हम उसे पहचान सकते हैं कि वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, इसमें हम देख लेते हैं, ही हमारा सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वॉज का यूज हुआ, उसके बाद वर्ब मेन वर्ब को यूज करते हैं तो मेन वर्ब का यहाँ फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब प्लस आईएनजी यूज हुआ, इसलिए यहाँ ईटिंग यूज हुआ, और उसके बाद ये हमारा फूड जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब हम जैसा कि आपको इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट में भी क्लियर किए हैं कि जब हम निगेटिव बनाते हैं तो उसमें कुछ खास नहीं करना होता है, नॉर्मली बस हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। क्लियर? तो यहाँ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद नॉट लगाकर हम इसका निगेटिव टाइप का सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर? तो ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड, क्लियर, नॉर्मली हमने इसे क्या किया, निगेटिव बना दिया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि टू टाइप्स का होता है, ठीक है, तो अब हम यहाँ नॉर्मली यस नो टाइप का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको क्लियर करेंगे। ठीक, तो इसका मीनिंग था ही वॉज ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा था, या कह सकते हैं वह भोजन खा रहा था, और ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड, वह खाना नहीं खा रहा था। क्लियर? अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वो क्वेश्चन बनेगा क्या वह खाना खा रहा था, ये है हमारा यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर हम बोलेंगे वह कब खाना खा रहा था तो ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस। ठीक, यस नो और डब्ल्यू एच के बारे में हमने आपको क्लियर कर दिया है, इसलिए अभी हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। सबसे पहले हम आपको क्लियर किए थे कि जब हम यस नो टाइप का बनाते हैं तो वो नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब से बनता है और डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करना पड़ता है, तो यहाँ हम इसके हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉर्मली हमारा मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। वॉज ही ईटिंग द फूड, क्या वो खाना खा रहा था। अब इसके बाद हम इंट्रोगेटिव निगेटिव समझ लेते हैं। हमने आपको सबसे बड़ा फर्क बता दिया निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में कि निगेटिव में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ अब हम जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमने बनाया है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। वॉज ही नॉट ईटिंग द फूड, और इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसको हम कह सकते हैं कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट टाइम, यानी इसमें कोई भी ऐसे एक्शन के बारे में पता चलेगा जो पास्ट टाइम में पूरा हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। ठीक है,
इसकी पहचान हम कर सकते हैं चुका था, यानी वाक्य के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, या लिया था, ली थी, लिए थे, ऐसा आएगा तो हम उसको पहचानेंगे कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है, इसके साथ कोई सिंगुलर प्लूरल के साथ यूज होने वाला कंडीशन नहीं है। हैड का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, और परफेक्ट टेंस है उसमें हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज हुआ था। एक बात को आप दिमाग में सेट रखिएगा, चाहे किसी भी टेंस का अगर परफेक्ट वाला पार्ट यानी परफेक्ट टेंस आप पढ़ रहे हैं तो वो आपका वहाँ वर्ब पे थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। ठीक, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट, फिर हेड, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट यूज होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे अगर हमारा हिंदी में वाक्य है वह अपना, या एक हम प्लूरल लेके कर लेते हैं, वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके थे, वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके थे। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले वे के लिए हम यूज करेंगे दे का, तो दे हेल्पिंग वर्ब हमारा पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है, इसलिए हैड। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें पूरा करना क्या है, यहाँ पे मुख्य क्रिया है पूरा करना, तो पूरा करने को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म तो हमारा हो जाएगा कंप्लीटेड। ठीक, दे हैड कंप्लीटेड अपना कार्य, देयर वर्क, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, वे अपना कार्य पूरा कर चुके थे। अब हम इसका निगेटिव देखते हैं, बाकी सब की तरह हम वही करेंगे, दे हैड और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। इसके बाद अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, क्योंकि हम यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, और इसमें एक बार फिर हम आपको यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप दोनों टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करके तब बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ यूज हो जाएगा हैड, फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट हैड दे, फिर हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड दे कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं, गृह कार्य है यहां होमवर्क कर लीजिएगा, ओके, क्या वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं। अब उसके बाद हम इसका डब्ल्यू एस टाइप का, वो कब कर चुके थे, ओके, वो कब अपना गृह कार्य पूरा कर चुके थे, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, फिर कब के लिए वेन का यूज करेंगे, तो वेन हैड दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ओके, When had they completed their homework? उन्होंने अपना काम कब पूरा किया था, या वे अपना होमवर्क कब पूरा कर चुके थे या कर लिए थे, दोनों वो हमारे बोलने पे डिपेंड करता है कि हम चुके थे, लिए थे, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव समझेंगे। ये क्लियर हुआ हमने क्या किया, डब्ल्यू एस टाइप में यस नो टाइप का जो सेंटेंस हम बनाए थे इंट्रोगेटिव, वो उसके आगे बस हमने डब्ल्यू एच वर्ड का यूज किया, तो ये हमारा डब्ल्यू एच टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि नॉर्मली हमें बस सब्जेक्ट के बाद, यानी हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है उसमें जहां भी सब्जेक्ट है उसके बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं, तो इसलिए जब हम इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम नॉट का यूज कर देंगे। तो पहले यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं, हैड दे नॉट, नॉट यहाँ हमारा सब्जेक्ट है,
सॉरी दे यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके बाद नॉट का यूज किए. हैड दे नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क. अब उसके बाद WH का भी इंट्रोगेटिव निगेटिव बना लेते हैं. तो बस इसमें जहां सब्जेक्ट है उसके बाद हम नॉट लगा देंगे. When had they not completed their homework? ठीक है, ये हमारा WH type का interrogative negative sentence बन गया. इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं. Affirmative में हमने बनाया they had completed their homework. वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके थे. हमने सबसे पहले subject का यूज किया, फिर helping verb had का यूज किया, उसके बाद verb के third form का यूज किया, और उसके बाद their homework, ये पूरा यहाँ हमारा object है. क्लियर? उसके बाद निगेटिव बनाते समय हमने सिर्फ इतना किया कि हैड यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट का यूज किया. क्लियर? जब हमने इंट्रोगेटिव बनाया तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव में हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज कर देते हैं सब्जेक्ट से और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो वो हमारा यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. जैसे यहाँ हैड दे कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे? ठीक, हैड दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे? तो उसके बाद फिर अब हम देखेंगे दूसरा, व्हेन हैड दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क. ये है हमारा WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसका मीनिंग हुआ वो कब अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे. ठीक, यहाँ हमने क्या किया, इन दोनों में फर्क फिर से एक बार देख लीजिए. यहाँ इंट्रोगेटिव बनाते समय यस नो टाइप में हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज किया, और जब WH का बनाया तो जो हमने यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है उससे पहले हमने बस अपना WH वर्ड यूज कर दिया है, तो ये हमारा WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया. ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप में बस नॉर्मल सी बात हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करते हैं. इसलिए यहाँ पे दे के बाद, दे यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में ही बात हो रही है, तो इसके बाद हम यहाँ नॉट का यूज कर दिए. हैड दे नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, क्या वे अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुके थे? और जब WH वर्ड का देखेंगे तो इसमें भी हमने वही किया, बस जो हमने WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया था उसमें सब्जेक्ट के बाद यहाँ हमने नॉट का यूज कर दिया. तो व्हेन हैड दे नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, वे कब होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुके थे. क्लियर? तो इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस भी क्लियर हो चुका है. अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में. ठीक, जैसा हम आपको समझाए थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों का मिक्सअप होता है, ठीक उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों का मिक्सअप होता है. ठीक, जैसे कि हम आपको क्लियर किए थे उसमें ये बात भी कि प्रेजेंट टाइम में आधा काम कंप्लीट हो चुका है और आधा अभी चल रहा है. ठीक, इसी तरह हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझेंगे कि आधा काम पास्ट टाइम में यानी बीते हुए समय में हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका था और आधा उस टाइम पे चल रहा था. क्लियर? इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस कैसे होंगे. क्लियर? अब इसमें इसकी पहचान हम समझ लेते हैं. जैसे रहा था, रही थी, रहे थे किसी वाक्य के अंत में आएगा और साथ में समय का भी जिक्र रहेगा, तो हम उसको समझ लेंगे कि वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है. ठीक, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन का यूज होता है, यहाँ बी के थर्ड फॉर्म का यूज होता है और हैड हमारा हैव का ही पास्ट फॉर्म है. क्लियर? इस यहाँ पे इसमें सिंगुलर या प्लूरल वाला कोई मैटर नहीं होता है कि सिंगुलर के साथ क्या और प्लूरल के साथ क्या, यहाँ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हेड का ही यूज होता है. ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. हमारा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेड प्लस बीन जो कि यहाँ हम आपको समझा चुके हैं, उसके बाद हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम. इस सिंस या फॉर का यूज टाइम के लिए होता है, टाइम अगर हमारा निश्चित होता है, ये हम आपको इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं कि
सिंस का यूज हमारा निश्चित यानी डेफिनेट टाइम के लिए होता है और फॉर का यूज हमारा इनडेफिनेट यानी अनिश्चित टाइम के लिए होता है। और निश्चित और अनिश्चित दोनों समय को कैसे समझे ये भी हम आपको क्लियर कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका, वह 2 घंटे से फल काट रही थी, यानी इस टाइम पीरियड में ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हम समझ सकते हैं कि इसमें पास्ट टाइम में कोई काम वो 2 घंटे से कर रही थी जिसमें से कुछ समय बीत चुका था और कुछ अभी चल भी रहा था। ठीक, तो अब हम इसको समझते हैं, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। वह लड़की के लिए यूज हुआ, इसलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ शी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ यूज करते हैं हैड बीन, इसलिए हैड बीन। अब हमारा आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब यह है काटना, चॉप करना। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, शी हैड बीन चॉपिंग। ओके, वर्ब प्लस आईएनजी हमने आपको क्लियर किया, तो शी हैड बीन चॉपिंग, क्या काट रही थी, फ्रूट्स काट रही थी, तो शी हैड बीन चॉपिंग फ्रूट्स। उसके बाद कितने घंटे से काट रही थी, 2 घंटे से। 2 घंटा हमारा क्या है, अनिश्चित समय। हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि जब आपको टाइम का नाम बता दे यानी समय एग्जैक्टली बता दे कि कितने बजे से कितने बजे तक, तो ऐसे में हम उसको निश्चित समय मानते हैं। अदरवाइज अगर नॉर्मली टाइम पीरियड बताया है तो हम उसको अनिश्चित समय समझते हैं। ठीक, तो यहाँ नॉर्मली 2 घंटा बोला है, इसलिए हम यहाँ अनिश्चित के लिए जो यूज होता है उसका यूज करेंगे। तो सिंस हमारा निश्चित के लिए यूज होता है और फॉर हमारा अनिश्चित के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ हम फ्रूट्स के बाद टाइम को बताने के लिए फॉर का यूज करेंगे और उसके बाद लिखेंगे 2 आवर्स। क्लियर। अब हमारा ये हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब प्लस आईएनजी चॉपिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा फ्रूट्स और फिर टाइम को बताने के लिए फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से फल काट रही थी। क्लियर। अब हम इसका निगेटिव सेंटेंस समझेंगे। निगेटिव में सबकी तरह बस वही काम करना है हमें, लेकिन हाँ इसमें बच्चे गलत कर देते हैं कि वो हमेशा बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपको बस हमने नॉर्मली बताया जो हेल्पिंग वर्ब है, आपको जस्ट उसके बाद जो है कि निगेटिव वर्ड का यूज करना है, इसलिए यहाँ हेड के बाद ही हम डायरेक्ट नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बी के थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। शी हैड नॉट बीन चॉपिंग फ्रूट्स फॉर 2 आवर्स। क्लियर। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे, 2 आवर्स। ठीक है, अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे। इसमें हम इसका सिर्फ आपको एक टाइप का यानी यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर करते हैं, क्योंकि डब्ल्यू एस टाइप का किस तरह से बनेगा यह आपको क्लियर है। हम फिर से बता देते हैं कि जब आपको डब्ल्यू एस टाइप का सेंटेंस बनाना है तो आपने नॉर्मली जो यस नो टाइप का सेंटेंस बनाया है उसके आगे अपने डब्ल्यू एच वर्ड जो भी सुटेबल है मीनिंग के अकॉर्डिंग आप उसको रख देंगे, तो वो आपका डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर। तो अब हम नॉर्मली यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस सेंटेंस का बनाते हैं। तो हमने आपको क्लियर किया कि जब भी हम यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ हमारा हेड है, इसलिए हेड पहले आ गया और अब उसके बाद सब्जेक्ट हैड शी। अब इसके बाद डायरेक्ट जैसे हमारा सेंटेंस था एज इट इज हमको उतारना है इन दोनों को आपस में चेंज करने के बाद। तो हैड हमारा पहले यूज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, अब हम लिखेंगे बीन। Had she been chopping fruits for 2 hours? ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा कि क्या वह 2 घंटे से फल काट रही थी। क्लियर। अब इसके बाद इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, हैड शी बीन चॉपिंग फ्रूट्स फॉर 2 आवर्स, ये हमारा यस नो टाइप का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। क्लियर। यस नो टाइप का सेंटेंस और डब्ल्यू एस टाइप का सेंटेंस हम आपको बता चुके हैं क्या फर्क है दोनों में। हमने आपको क्लियर किया था कि यस नो टाइप के सेंटेंस में आंसर हमेशा यस या नो में जाता है और डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस उस डब्ल्यू एच वर्ड पे डिपेंड करता है कि हम उसका आंसर क्या देंगे। नॉर्मली हम यस नो टाइप को समझ सकते हैं कि यस या नो में ही आंसर आता है उसका। अगर यहाँ पूछा जा रहा है हैड शी बीन चॉपिंग फ्रूट्स
फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से फल काट रही थी? तो नॉर्मली इसका आंसर यस या नो में दिया जाता है, इसलिए ये हमारा यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं यस नो टाइप में ही। तो हम नॉर्मली जो बनाए हैं यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे, जैसे हम बाकी पार्ट्स में पढ़े हैं। तो हैड शी नॉट चॉपिंग फ्रूट्स फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से फल नहीं काट रही थी? क्लियर? क्लियर? हैड शी नॉट बीन लगा लीजिएगा, ठीक है? ये बात दिमाग में क्लियर रखिएगा आप कि आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करना है इंट्रोगेटिव निगेटिव निगेटिव में, ठीक? हैड शी नॉट बीन चॉपिंग फ्रूट्स फॉर 2 आवर्स, क्लियर? अब हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। शी हैड बीन चॉपिंग फ्रूट्स फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से फल काट रही थी। शी हैड नॉट बीन चॉपिंग फ्रूट्स फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से फल नहीं काट रही थी। हैड शी बीन चॉपिंग फ्रूट्स फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से फल काट रही थी? हैड शी नॉट बीन चॉपिंग फ्रूट्स फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से फल नहीं काट रही थी? इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सभी टाइप के सेंटेंसेस को आसानी से समझ चुके हैं। अब अगली क्लास में हम आपको फ्यूचर टेंस के सभी पार्ट्स के बारे में बताएंगे और उसके बाद हमारा नॉर्मली टेंस का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और टेंस कंप्लीट होने के बाद हम आसानी से 12th के सिलेबस के बाकी सारे जो टॉपिक हैं उनको समझ सकेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।